हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना प्रकाश की किरणों का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ चमकीला वस्तु उस पर पड़ने वाली प्रकाश की अधिकांश किरणों को परावर्तित कर देता है, जैसा कि दर्पण या आईना, जिसकी सतह पर एक चमकीले पदार्थ से पॉलिश रहती है जो उस पर पड़ने वाली प्रकाश की अधिकांश किरणों को परावर्तित कर देती है। अब आपतित किरणें क्या होती हैं? किसी परावर्तित होने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरणें कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे कोई तल है, यहाँ से प्रकाश आ रही है और उसी दिशा में वापस जा रही है, तो इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है यहाँ से, इसको कहेंगे आपतित किरण, और जो यहाँ से जा रहा है उसे कहेंगे अपवर्तित किरण, और इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और अभिलंब क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा जो परावर्तित होने वाली सतह पर प्रकाश की किरण पड़ने के बिंदु पर लंब होती है को अभिलंब या परावर्तित होने वाली सतह पर लंब कहते हैं। जैसे कोई तल है, यहाँ से एक आपतित किरण आ रही है और एक परावर्तित होकर जा रही है, तो यहाँ पे एक लंब होता है, इसी को कहते हैं अभिलंब, जो दोनों के आपतन तल पर लंब होता है, यहाँ पे लंब होता है, इसको कहते हैं अभिलंब। आपतन कोण क्या होता है? प्रकाश की किरणों द्वारा अपवर्तन बिंदु तथा उस बिंदु पर अभिलंब के साथ बनाने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे आप फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, इसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। जैसे यहाँ पे है परावर्तन कोण, प्रकाश की किरणों द्वारा परावर्तन बिंदु के तथा अभिलंब के साथ बनाए जाने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, इनको भी जान लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम है। और दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे आपतन एक तल है और यहाँ पे आपतित किरण आ रही है और यहाँ से परावर्तित होके जा रही है, ये हम लोगों का है लंब या अभिलंब। तो कह रहा है पहला नियम है आपतन कोण, यहाँ का जो एंगल है, जो कोण है, वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसके कोण के दोनों बराबर होगा, पहला नियम ये कहता है। और दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, ये वाला जो किरण आ रहा है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, ये वाला है आपतन बिंदु पर अभिलंब ए है, तथा परावर्तित किरण ए है जो जा रही है, सभी एक तल में होते हैं। मतलब एक तल में होते हैं, तल ए है, इसके सब ऊपर है, एक तल में है। तो चलिए आगे देखते हैं। परावर्तन के ये दोनों नियम सभी तरह के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परावर्तन के ये नियम सभी तरह के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। अब परावर्तक पृष्ठों के प्रकार देख लिया जाए। परावर्तक पृष्ठ गोलाकार,
समान या असमान रूप से मुड़े हुए या समतल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ वाले गोलीय दर्पण तथा दूसरे बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ वाले गोलीय दर्पण। पहला है अवतल दर्पण या अवतल गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित रहता है, अवतल दर्पण या अवतल गोली दर्पण कहलाता है। और दूसरा है उत्तल दर्पण या गोली दर्पण। गोली दर्पण जिसका परावर्तक बाहर की ओर वक्रित रहता है, उत्तल दर्पण या उत्तल गोली दर्पण कहलाता है। उदाहरण के लिए चम्मच, एक चम्मच का एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित रहता है, यह अवतल गोली दर्पण का उदाहरण है। दूसरी ओर चम्मच का बाहर की ओर वक्रित परावर्तक तल एक उत्तल दर्पण का उदाहरण है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।